तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं गैलगोटियस यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में। देखो मैंने एक पीडीएफ बना ली है, यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा होगा, किसी को पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें, बहुत सारे कोर्सेस है, तो मैं सारा नहीं, मैं बीटेक को लेकर चल रहा हूँ। प्लस हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका प्लेसमेंट रेट कैसा है, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसी होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। प्लस कॉलेज के बारे में भी चीजें जान रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड गैलगोटियस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा रैंक सेकंड इन उत्तर प्रदेश एंड थर्ड इन इंडिया बाई GHRDC बिजनेस स्कूल सर्वे 2019, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाई टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, डॉक्टरल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड 5 इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे मोर देन 450 कंपनीज हैव विजिटेड द यूनिवर्सिटी फॉर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, तो देख लेंगे आगे, ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स के बारे में देखते हैं। बीटेक हमारे पास यहाँ पे आता है जहाँ पे 1.59 लाख की फीस है हमारी फर्स्ट ईयर की, तो 4 इयर्स की फीस हमारी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, सिंपली ये समझो तुम्हारा फीस 6.5 लाख तक रहेगा बीटेक में। 10+2 की एलिजिबिलिटी, आपका 12th आपने कर रखा होना चाहिए एक रिकोगनाइज बोर्ड से, ये इसका एलिजिबिलिटी है। अगर यहाँ पे देखें तो बीटेक में यहाँ पे 17 स्पेशलाइजेशन है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो बीटेक डिग्री के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहने चाहिए। 60% मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल क्लास 12th में आपके 60% रहने चाहिए। दिस इज अ फुल टाइम प्रोग्राम विच रेंजेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, और यहाँ पे आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, ये हमें पता है। एंड यहाँ पे आपको जेई मेन के मतलब रैंक के हिसाब से भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। स्टैब्लिश यहाँ पे 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। कोर्सेज की बात करें तो 154 कोर्सेज, 31 डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रूवल UGC, जेंडर्स कोविड एंड स्टूडेंट काउंट तो ठीक है, ये हमारे काम का नहीं। कैंपस साइज अगर देखें तो 52 एकर्स का आपको कैंपस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जेंडर रेशियो देखें तो मेल 73% है एंड फीमेल 27% है, मतलब ठीक है यार, ऐसे चल जाएगा। एंड की टेक अवेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास गैलगोटियस यूनिवर्सिटी रैंक हायर देन 12 पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस विच वर रैंक फॉर इवेल्युएशन पर्पस। गैलगोटियस यूनिवर्सिटी जम्प्ड बाय 30 पोजीशन इन 2022 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो इसका ना मैं बात बताता हूँ कि इस कॉलेज में ना ग्रोथ रेट है, ठीक है। इसके प्लेसमेंट होगा या फिर पैकेजेस होगा या फिर डिफरेंट चीज़ें होंगे, ये ईयर बाई ईयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जो बहुत सारे कॉलेजेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये उन्हें सरपास कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि 894 स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए 2021 में, जिनमें से 837 स्टूडेंट्स प्लेस हुए और मीडियम सैलरी 360,000 है, वाइल 57 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द हायर एजुकेशन। अब एक चीज समझो, ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ना, ये बीटेक की है। अब बीटेक में ना सब कुछ आ जाता है, अमेजोन भी आ जाता है और दूसरी कंपनीज भी आ जाती हैं, विप्रो भी आ जाता है, ठीक है, प्लस सारे कोर्सेज भी आ जाते हैं ना। बीटेक का हमारे पास CSE भी आ जाता है, IT भी आ जाता है, प्लस हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसीलिए मीडियम सैलरी आपको इतनी कम दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते हैं मीडियम सैलरी को सिविल और मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट होता है वो रेट, ठीक है। यहीं पे टॉप रिक्रूटर्स देखें तो IBM, टेक महिंद्रा, अमेजॉन, इन्फोसिस, सैमसंग, विप्रो, कोका कोला, कॉग्निजेंट, बॉस, हेवलेट पैकार्ड। तो यहाँ पे आप Amazon, IBM, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस और सैमसंग और विप्रो इस पर आप फोकस कर सकते हो। इवन Amazon, IBM और इन्फोसिस पे ज़्यादा, और सैमसंग पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस दे रहे होते हैं कॉलेजेस में आके। Amazon तो 40 लाख का पैकेज इजिली दे रहा होता है अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ से हाईएस्ट पैकेज उस रेट का भी निकलता है, बस आपके वो स्किल्स पे डेवलप कर, मतलब स्किल्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट 360,000 की ऑफर की जाती है, वो आपके स्किल एंड आपके ब्रांच पे बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करेगा। अगर आप CS ब्रांच के हैं एंड आपका अमेजोन में प्लेसमेंट हो जाता है तो वो एक 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे 52 एकर्स का कैंपस है जो कि प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, यमुना एक्सप्रेस वे पे, राइट। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो बॉयज़ हॉस्टल आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लॉन्ड्री, वाईफाई, RO वाटर, ये सारी RO वाटर, ठीक है भाई, हम लोग तो पता नहीं कहाँ का पानी पी रहे हैं आज तक, राइट। तो मजाक से हटके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो ऐसे लड़ाई वड़ाई हो जाए तो हाथ पैर जोड़ देंगे आपका। एंड जिम यहाँ पे अवेलेबल है, तो दिल विल टूट जाए तो बॉडी वॉडी आसानी से बन जाएगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें दिल विल टूटने से। एंड लाइब्रेरी की बात करें तो 1 लाख बुक्स अवेलेबल है, विथ ओवर 1 लाख बुक्स, 30,000 बुक्स एंड 1 लाख बुक्स एंड मतलब ये क्या, विथ ओवर 1 लाख बुक्स, 30,000 बुक्स एंड मोर देन 500 नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स, मतलब
जर्नल्स को मिला के वो बोल रहे हैं, एंड द स्टूडेंट कैन ऑल्सो एक्सेस अ लार्ज नंबर ऑफ ई रिसोर्सेज मेड अवेलेबल बाई द यूनिवर्सिटी. तो ई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो मेरे को पता है कि आप लोग नहीं यूज कर सकते फॉर श्योर, कोई नहीं कर रहा होता है, ये उतना मैटर नहीं करती. बट लाइब्रेरी मैटर करता है, लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होगा आपको क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स के टाइम में ना वहीं से बुक इशू हो रहे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा. फुटबॉल हमें इसमें नहीं लिखा हुआ है, मुझे बहुत निराशा हुई, ठीक है, बट मिल जाएगा देखने को. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बहुत अच्छा है, शानदार है, क्योंकि 20 सर्वर्स एंड अ बैंड विथ ऑफ 1 GBPS विथ आपका स्टोर डेटा विथ मोर देन, ठीक है. तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है, कॉलेजेस का, बीटेक कॉलेजेस का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता ही है. कैफेटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके मस्त आप डेटिंग नहीं कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है. ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट, अरे ऑडिटोरियम तो भैया स्कूल में मिल जाता है, ठीक है, ठीक. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, एंड एलुमनाई एसोसिएशन लाइक द यूनिवर्सिटी हैज अ गुड नेटवर्किंग ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है रेफरल्स में, ठीक है, रेफरल्स में हेल्प करता है जब आप रेफरल्स चाहते हो, या फिर उनमें भी हेल्प करता है जब आप अपना खुद का स्टार्टअप एंड ऑल चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपको एलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है, अगर हेल्पिंग एलुमनाई एसोसिएशन है तो. वाईफाई यहाँ पे आपको हमेशा अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है. एंड क्लासरूम्स की बात करें तो एयर कंडीशन यानी एसी वेसी लगा रहेगा तो ठीक है, ऐसे पंखे नहीं घूम रहे होंगे. एंड लेक्चर हॉल्स, ट्यूटोरियल रूम्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, लैब, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी. प्लस गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ वही सेम आर ओ वाटर मिल प्योर, ठीक है. तो यहाँ पे पैकेजेस प्लेसमेंट की हम लोग फिर से बात कर रहे थे. देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पता चल गया बीटेक के लिए, ये है कि 60% मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाएगा. एंड अगर हम बात करें फीस की तो 6.5 लाख की फीस है, जो कि मतलब ठीक ही ठाक फीस है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मतलब ठीक ही है. एंड अगर अमेजोन और सैमसंग और इन्फोसिस जैसी कंपनीज आ रही हैं तो बहुत अच्छा कॉलेज मैं इसे मान सकता हूँ, 6.5 लाख फीस, प्लस अगर जेई वेई कुछ नहीं निकल रहा है एंड 10+2 करके चाहिए तो बहुत अच्छा कॉलेज, बाप कॉलेज कह सकते हैं इसको, थापड़ जादवपुर जैसा. हाँ उनके इतना नहीं है बट फिर भी बहुत शानदार कॉलेज है, मैं कंपैरिजन तो नहीं ऐसे कर सकता बट बहुत शानदार कॉलेज है. आपको यहाँ पे प्लेसमेंट से मतलब है और आस पड़ोस से मतलब है, तो नोएडा में रह रहे हो वैसे आगरा और दिल्ली घूम के आते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को पक्का से लाइक कर दो. एंड चैनल को ना मेरे को सब्सक्राइब चाहिए, और कमेंट करो कि किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो पहला. दूसरा आप ये कमेंट कर सकते हो कि आपको और कौन से कॉलेजेस का ये चाहिए, क्या कहते हैं, कॉलेज रिव्यू चाहिए, तो वो मैं आपके लिए बना रहा हूँगा. टिल देन तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, 10+2 में 60% ले आओ और फिर चले जाओ, और क्या पढ़ाई क्या करनी है. एंड नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, पढ़ाई करते रहो. एंड तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार. तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय एंड टेक केयर.